Hello student, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today we are going to study about sentences, and in this part we shall discuss about parts of sentence. Let me tell you, in previous videos we have learned about the sentence kinds etc. इस पार्ट में हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या हैं और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ पढ़ेंगे. तो बिगिन करें, हम आपको पहले इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि सेंटेंस हैं क्या. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज अरेंज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड हैज कंप्लीट सेंस. अ सेंटेंस एंड्स एट फुल स्टॉप. अ सेंटेंस हैज अ फिनिट वर्ब एक्सेट्रा. अ सेंटेंस में एंड एट फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सेट्रा. तो सेंटेंस हम जो है कि प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. आज के सेंटेंस में हम आज देखेंगे कि सेंटेंस और उसके पार्ट्स क्या क्या हैं. तो अब ये देखो, एक सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. तो हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, इसमें जो है कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट क्या है. ये देखो सेंटेंस है, पूरा कंप्लीट एक सेंस है इसका. हम्प्टी डम्प्टी सब्जेक्ट है, सैट ऑन अ वॉल. अब ये हमारा क्या है, पार्ट. तो हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ें जो मिल के बनी होती हैं, कोई भी सेंटेंस बनते हैं वो पार्ट्स में बनते हैं. तो इस सेंटेंस के पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो इस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. वन इज नोन एज सब्जेक्ट पार्ट एंड अनदर इज नोन एज प्रेडिकेट पार्ट. तो अब सब्जेक्ट पार्ट है क्या और प्रेडिकेट पार्ट है क्या? व्हाट इज अ सब्जेक्ट पार्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट पार्ट? तो ये देखो, सब्जेक्ट पार्ट सेंटेंस में जो होते हैं उसी के बारे में हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन कही जाती हैं. तो सब्जेक्ट पार्ट एक होगा और एक प्रेडिकेट पार्ट. तो किसी के, जिस किसी के भी बारे में हम कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वही पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट पार्ट होता है, और जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है. लाइक हम्प्टी डम्प्टी, तो यह हमारा सब्जेक्ट है, इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है, तो यह होंगे हमारे सब्जेक्ट पार्ट. सब्जेक्ट पार्ट है. देखो किसके बारे में कहा जा रहा है, हम्प्टी डम्प्टी सैट आने वाल. तो ये सैट आने वाल ये कहा जा रहा है किसके बारे में? हम्प्टी डम्प्टी के बारे में. ये सब्जेक्ट है. और क्या कहा जा रहा है? सैट ऑन ए वाल. यह हमारा प्रेडिकेट पार्ट है. तो किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट. तो इस तरह से अब सब्जेक्ट पार्ट है क्या? सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट क्या है? इन अ सेंटेंस अबाउट होम वी आर टॉकिंग अबाउट. जिस किसी के भी बारे में हम कुछ बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में, वह हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट पार्ट होता है. अबाउट होम या विच वी आर टॉकिंग. जिस किसी के भी बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये हमारा इस सब्जेक्ट पार्ट है. हम्प्टी डम्प्टी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है. प्रेडिकेट पार्ट क्या है? वॉट एवर वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, जो कुछ भी हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वह प्रेडिकेट पार्ट होता है. वॉट एवर वी talk about subject, जो कुछ भी हम subject के बारे में बात करते हैं वही हमारा क्या होता है? predicate part. अब ये देखो, ये subject part, predicate part. तो subject part में सिर्फ subject और उसके attributes आएंगे. subject part में only subject and उसके attributes आएंगे, जबकि predicate part में verb और उसके जितने भी अदर remaining part होंगे वह आएंगे predicate part में. तो इस तरह से subject part और predicate part मिल करके क्या होते हैं? sentence बनाते हैं. एक और example,
द बॉय एंड हिज डॉग रैन टुवर्ड द पार्क। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमारा इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या है, तो देखो द बॉय एंड हिज डॉग, कौन कौन दौड़े, बॉय और उसका डॉग, तो यह पार्ट पूरा हमारा जो होगा यह सब्जेक्ट पार्ट होगा, और रन टुवर्ड द पार्क यह पार्ट जो होगा हमारा यह होगा प्रेडिकेट पार्ट, यह होगा प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट पार्ट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट क्या है, यह हमने बताया। तो सब्जेक्ट पार्ट में यहां देखो सब्जेक्ट है प्रेडिकेट है, लेकिन अब इसके बारे में भी हम और बताएं कि थोड़ा सा इसको कैसे हम डेफिनाइज अलग अलग कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में हमारा सब्जेक्ट होगा, एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिवल फ्रेज होगा, प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होंगे, एडवर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है कॉन्सेप्ट इसमें आएंगे कि सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट क्या होगा। तो इस तरह से हमने आपको अभी मेन बताया कि सब्जेक्ट पार्ट क्या है, प्रेडिकेट पार्ट क्या है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट में देखो तो यहाँ पर यह जो है यह डिटरमाइनर है, क्या है, डिटरमाइनर है, और यह क्या है, यह हेडवर्ड है, यह हेडवर्ड है। तो सब्जेक्ट पार्ट जो होगा यह डिटरमाइनर या हेडवर्ड, और यह अदर इसके एट्रीब्यूट हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होंगे अलग अलग होंगे। अब यह देखो वर्ब है, यह जो है कि प्रीपोजिशन है, यह नाउन है, यह अदर वर्ड्स हो गए, यहाँ सेट प्रीपोजिशन, यहाँ पे नाउ अदर वर्ड्स अदर पार्ट होगा, तो ये अदर वर्ड्स हो गए। इस तरह से हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यह अलग अलग होते हैं। नाउ हम ये देखें कि सब्जेक्ट पार्ट में हमारे क्या क्या और पार्ट आते हैं। ये देखो द ब्लैक काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड बिलोंग्स टू माई अंकल। हियर ये पूरा पार्ट इसमें अगर हम देखें तो सब्जेक्ट पार्ट है, यह प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट पार्ट के जो अलग अलग हिस्से हैं वह क्या है, द ब्लैक काउ, तो यह हमारा हो गया द डिटरमाइनर हो गया, ब्लैक यह एडजेक्टिव हो गया, और काउ यह हेडवर्ड है, ग्रेजिंग इन द फील्ड ये एडजेक्टिवल फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज है। क्यों एडजेक्टिवल फ्रेज है, क्योंकि इसी काउ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है कि ब्लैक काउ क्या कर रही है, ग्रेजिंग इन द फील्ड जो चल रही है, तो यह इसी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडजेक्टिवल फ्रेज है। तो इस तरह से सब्जेक्ट पार्ट के अलग अलग पार्ट हो सकते हैं, like डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। तो इस तरह से हमारा यह क्या है, सब्जेक्ट पार्ट के अलग अलग हैं। दूसरा, क्रेजी बॉयज आर making a lot of fun of that little boy। तो अब यहाँ पे ये देखो दोज क्रेजी बॉयज, यह हमारा अगेन सब्जेक्ट पार्ट है, और यह पूरा क्या है, यह हमारा प्रेडिकेट पार्ट है।
प्रेडिकेट पार्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट पार्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, यह डिमोन्स्ट्रेटिव है, क्रेजी यहाँ एडजेक्टिव है, और ये बॉयज, तो यह हमारा सब्जेक्ट पार्ट। लेकिन यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब, यह क्या है मेन वर्ब है, अ लॉट ऑफ फन यह ऑब्जेक्ट है, और ऑफ दैट लिटिल बॉय ये अदर पार्ट्स है। तो यहां पे जो ये अदर पार्ट्स मीन्स अदर वर्ड्स हैं, अदर वर्ड्स। तो इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। हियर यहाँ सब्जेक्ट पार्ट को हमने अलग बताया, और ये प्रेडिकेट पार्ट हमने बताया कि हेल्पिंग वर्ब यह है, ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, यह क्या है अदर वर्ड्स है। तो इस तरह से यह हमने आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया। और साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, लेकिन हमें जानने की ज़रूरत होती है जब हमारे ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। इसी में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें ये जानना कि ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं। लाइक इसमें हम अगर लिखें माई ब्रदर गेव मी अ बुक, देखो माई ब्रदर गेव मी ए बुक, माई ब्रदर यह सब्जेक्ट पार्ट है और यह क्या है प्रेडिकेट पार्ट है। अब इस प्रेडिकेट पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर यह मी और ए बुक दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तो ये ध्यान रखो मी और ए बुक दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जब कभी भी हम व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तब हमें आंसर में मिलेंगे जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब होम से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें होम से क्वेश्चन करने पर मिलेगा। कैसे, व्हाट डिड माई ब्रदर गिव मी अ बुक, तो व्हाट डिड माई ब्रदर गिव मी, यहां पर आंसर क्या मिल रहा है ए बुक, और हुम माई ब्रदर गेव अ बुक, तो यहां आंसर हो रहा है मी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि किसी सेंटेंस में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यह हमने आपको बताया। अब इस पर हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट भी आते हैं। मेन इन्फॉर्मेशन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट में बता दिया, प्रेडिकेट पार्ट में हमने बताया कि ये पार्ट्स ऑब्जेक्ट होंगे, ऑब्जेक्ट दो पार्ट में होगा, साथ ही साथ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। तो वो हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्स कब आएंगे। He is a doctor in civil hospital. She looks happy. अब यहां पे ये देखो, यह हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, यह सब्जेक्ट पार्ट है, यह सब्जेक्ट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट मेयरली यह सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट मेयरली यह वर्ब हो सकता है। लाइक ही रंस, यहाँ पे ये सब्जेक्ट पार्ट है और यह प्रेडिकेट पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट पार्ट प्रेडिकेट पार्ट कोई सेंटेंस जो हो तो एक एक वर्ड भी हो सकते हैं, और अलग अलग हमने आपको बताया पीछे कि किस तरह से अलग हो सकते हैं। तो ही और यह सब हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट प्रेडिकेट हैं। अब कैसे यह अलग किए जाते हैं, तो ये देखो यह हमारा वर्ब है और यह हमारा वर्ब है, जबकि यह पार्ट इतने जो है, यह पार्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, और यह क्या है कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान रहे ये कॉम्प्लीमेंट कब होंगे, ऑब्जेक्ट कब होंगे, जब
ऐसे नाउन जो सब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किए गए होंगे, तब वह क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। जैसे ही इज अ डॉक्टर, अब यहाँ नाउन को और इस सब्जेक्ट को, यहाँ पे इस नाउन और इस नाउन को कनेक्ट करने वाला वर्ड है इज, और यहाँ पे हैप्पी और सी उसके स्टेट को बता रहा है, कनेक्ट करने वाला वर्ड है लुक्स। तो इस तरह से यह हमारे क्या होते हैं? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन होते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट होते हैं। अगेन हमने बताया कि सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकते हैं? एक सब्जेक्ट हो सकते हैं और एक वर्ब हो सकता है, यह भी हमारे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, तो हमने आज आपको इस वीडियो में बताया सेंटेंस के पार्ट्स के रूप में बताया कि अलग अलग क्या होते हैं। इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप हमें जो है कि व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन हो, और आप अपने लेसन वन बिगिन हमने किया है सेंटेंस से, तो इसमें जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप उसमें पढ़ेंगे, कोई कन्फ्यूजन अराइज होगी तो आप जो है कि बेझिझक व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।